यूपी पुलिस ने खींच कर जब कैदी वैन में ठूसा, कांप गई अतीक अहमद की आवाज। योगी पुलिस के सामने जब चीख पड़ा माफिया अतीक अहमद, योगी सरकार पर उठाने लगा सवाल। अतीक को कभी गिड़गिड़ाते, बिलबिलाते, सिसकते, कपी कपी आवाज में बोलता देखा है आपने? नहीं देखा होगा, लेकिन अतीक अब गिड़गिड़ा भी रहा है और बिलबिला भी रहा है। जैसे ही यूपी पुलिस ने हाथ पकड़ा और धकियाते हुए अतीक को कैदी वैन में ठूसा, तो धमकीबाज माफिया को औकात समझ में आ गई। कैमरा देखते ही बोल पड़ा, योगी के सामने औकात नजर आ रही है, जरा देख लीजिए आप भी। उसको गुरूर था कि सरकारें उसकी जागीर हैं, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जज फैसला सुनाने से डरते थे, लेकिन आज इस प्रिज्म वैन में बैठते ही जुबान से निकल गया, मेरी जान को खतरा है। जो जेल में बैठकर हुड़दंगबाजी कर रहा था, आज उसकी हवाबाजी निकल गई। आवाज में कप कपी भी है, क्योंकि योगी की पुलिस उसे गुजरात की साबरमती जेल से लेकर चल पड़ी है, यानी उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची है जो पिछली बार लेकर आई थी। कई घंटों की कागजी कार्रवाई के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने बोल दिया कि ये मुझे मारना चाहते हैं। एक बार फिर से यूपी का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद 1250 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा है। एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड की आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है और जुबान पर दहशत, जैसा कि पिछली बार दिखा था। अतीक ने जेल से निकलते ही कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे ये मारना चाहते हैं। अतीक का जेल में मेडिकल हुआ, उसको मेडिकल में फिट पाया गया है। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक अहमद वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। इससे पहले 26 मार्च को पुलिस अतीक अहमद को लाई थी, तब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी। इसमें अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और सजा के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया गया था। लेकिन एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है तो खौफ उसकी आंखों में साफ दिख रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।